इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को देश भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में बंदी का ऐलान किया है। डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। यह जानकारी IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष RV अशोकन ने दी है। शनिवार सुबह 6 बजे हड़ताल शुरू होगी, जो अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन OPD के साथ बाकी सेवाएं बंद रहेंगी। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं। IMA अध्यक्ष ने कहा कि जिस लड़की के साथ यह घटना हुई है, वह मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती संतान थी। किसी एक व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। जिस तरह से उसकी हत्या की गई, उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मानवता के खिलाफ किया गया अपराध है। यह काम करने वाली जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा है। डॉक्टर और नर्स इस बात से चिंतित हैं कि वो अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं। अब आपको बताते हैं कि हड़ताल करने वाले IMA की 5 मांगे कौन सी हैं। IMA ने रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में बदलाव की मांग की है। इसमें 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और आराम के लिए सुरक्षित जगहों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। RG कार अस्पताल का पीड़ित डॉक्टर भी 36 घंटे की ड्यूटी कर रहा था। IMA ने एक केंद्रीय कानून की मांग की है, जिसमें 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधनों को शामिल किया जाएगा। इससे 25 राज्यों में मौजूदा कानून और मजबूत होंगे। डॉक्टरों के संगठन ने अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर सावधानी पूर्वक और पेशेवर जांच और न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही 14 अगस्त की रात RG कार अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। IMA ने कहा, सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। CCTV कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। साथ ही पीड़ित परिवार को क्रूरता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश TV।